हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं किया, एक रुपया नहीं किया। Who changed the requirement of the Air Force from a 126 to 36? हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे रात भर। पता लगा दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। फ्रांस के राष्ट्रपति होलैंड कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट हमें ऑर्डर दिया है। मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया में है प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी आपके बारे में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राहुल की जैकेट में बड़ी गर्मी है। If you needed the aircraft urgently, why is it that not a single Rafael aircraft has landed on Indian soil until today? राहुल की जैकेट में गजब की ऊर्जा है। राहुल गांधी की जैकेट में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। बीजेपी के नेताओं से मैं कहता हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जेपीसी लागू कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी की जैकेट में गिरते सियासी पारे को ऊपर उठाने की कुव्वत है। पीएसी बैठा रखी है पीएमओ में, सीधी बात है, और हम इसको साबित करके दिखाएंगे। तो शायद यही वजह है कि ये जैकेट कांग्रेस का लगभग हर नेता पहनने लगा है, फिर चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सचिन पायलट, दीपेंद्र सिंह हुडा, नवजोत सिंह सिद्धू या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला। पिछले 60 सालों से संसद भवन में नेहरू जैकेट पहनकर आने का ट्रेंड अब बदलने लगा है। राहुल के सफेद कुर्ते के साथ पफर जैकेट पहनने के स्टाइल को कांग्रेसी नेता कॉपी करने लगे हैं। पोस्टर में राहुल गांधी की ये जैकेट वाली तस्वीर छाई हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं बल्कि कांग्रेस में राहुल राज का आगाज है। हैप्पी न्यू ईयर। पोस्टर में राहुल गांधी की जैकेट वाली तस्वीर हिट है तो कांग्रेसियों में इसका क्रेज भी बहुत ज्यादा, लेकिन ये स्टाइल स्टेटमेंट नया नहीं, पुराना है। जी हाँ, राजीव गांधी के दौर में पफर जैकेट नेताओं की वेशभूषा में जगह भरसक न बना पाया हो, लेकिन नए दौर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जैकेट सुर्खियां जरूर बटोर रहा है। एक कामयाब प्रधानमंत्री का बेटा आज भारत की सियासत में अपरिपक्वता की अपनी छवि से बाहर निकलने की पुरजोर कोशिश करते हुए विपक्षी नेताओं को घेर रहा है। क्षेत्रीय दलों और राजनीति के सूरमाओं के बीच अपनी छाप छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। तीन राज्यों में मिली जीत के बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भी हाथ की छाप छोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। राहुल की जैकेट की गर्मी का एहसास बीजेपी को बखूबी हो रहा है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि राहुल गांधी के जिन आरोपों को खुद बीजेपी बेबुनियाद बताती है, उन्हीं आरोपों के जवाब देने के लिए अपने प्रवक्ताओं की फौज खड़ी कर देती है। हम चाहते हैं कि जेपीसी लागू होए और जो सच्चाई देश सुनना चाहती है वो देश के सामने आए। आखिरी बात, कल अपने इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी थके हुए लगे थे, घबराए हुए लगे थे, और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, नरेंद्र मोदी जी पूरा देश आप पर उंगली उठा रहा है। इस प्रोसेस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? किसी माननीय सदस्य के पास ये अधिकार नहीं है कि यहाँ खड़ा होकर कहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। नेशनल सिक्योरिटी डिमांड्स दैट ऑल ऑफ अस यस डिस्कस इश्यूज, यस रेज क्वेश्चंस ऑन इश्यूज, बट वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द फैक्ट्स, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर्स ऑन व्हिच राइटली इन पार्लियामेंट क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड। बीस जुलाई 2018
गर्मी का मौसम था लिहाजा राहुल ने जैकेट नहीं पहनी थी, लेकिन नए नए अध्यक्ष बने राहुल गांधी के अंदर पार्टी को दोबारा से खड़ा करने और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी को चारों खाने चित करने की चुनौती थी। इस चुनौती के साए में राहुल गांधी संसद पहुंचे तो शायद जज्बाती हो गए, प्रधानमंत्री मोदी से गले लगने उनकी सीट तक पहुंच गए, जादू की छप्पी देकर खुद को बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश करते नजर आए, और जब अपनी सीट पर वापस पहुंचे तो आंख मार, ये आंख मारना उन्हें भारी पड़ गया। मीडिया में ये सुर्खियां बटोरने लगा और विरोधियों को एक बार फिर राहुल की परिपक्वता पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। कोई यहाँ पे कोई क्या बोले कोई कोई वन वॉल वन एक्ट प्ले हो रहा है क्या, ऐसे आके प्राइम मिनिस्टर को बैठे हुए हक कर रहे हैं। लेकिन सर्दियों वाली संसद बैठी तो पफर जैकेट वाले राहुल गांधी ने एक बार फिर आंख मारी। सिर्फ आंख ही नहीं मारी बल्कि सीटी तक बजाई। AIADMK नेता एम थंबीदुरई राफेल मुद्दे पर सत्ता पक्ष से सवाल कर रहे थे और राहुल गांधी एक बार फिर आंख मार रहे थे, लिहाजा मामले को एक बार फिर बीजेपी नेताओं ने धूल देने की कोशिश की, लेकिन इस बार ये कोशिश राहुल की जैकेट वाली गर्मी ने नाकाम कर दी। आंख मारना कहीं मुद्दा है ही नहीं, तमाम लोगों को ऐसे मैं जानता हूँ जो कि आंखें ऐसे दबती रहती हैं, तो आंख मारना थोड़ी कहेंगे, तमाम लोग ट्विस्टर से पॉइंट ऐसे कर देते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो मुद्दा नहीं था। दरअसल राहुल की जैकेट में जीत के वो मंत्र हैं जिनसे बीजेपी भी कहीं न कहीं परेशान है, उनकी कार्ड तलाश रही है। राहुल की जैकेट में सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड है, किसानों की कर्ज माफी का फॉर्मूला है, राफेल का रॉकेट है और तीन राज्यों में मिली जीत से बढ़ा आत्मविश्वास। जैकेट वाले राहुल गांधी अब बदले बदले नजर आते हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं। राफेल जैसे मुद्दे पर पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि 2019 में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। राहुल गांधी की जैकेट गर्म है क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ जनेऊ है बल्कि उनका वो गोत्र भी जिसे लेकर बीजेपी गाहे बगाहे तंज कसती रही। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उनका चाहे कर्म हो उनका चाहे धर्म हो, भ्रम ही भ्रम, कर्म भी भ्रम धर्म भी भ्रम। लेकिन तीन राज्यों में मिली जीत के बाद तो राहुल की ये पफर जैकेट और गर्म हो गई है। वजह ये कि यहाँ मिली कामयाबी के पीछे कांग्रेस अध्यक्ष का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला वो कार्ड है जो उन्होंने अपनी जैकेट की जेब में छिपाकर नहीं रखा बल्कि विधानसभा चुनाव में इसका जमकर इस्तेमाल किया, लिहाजा कांग्रेस का हाथ मजबूत हो गया और बीजेपी का कमल मुरझा गया। सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कार्ड जो है वो बीजेपी का हिंदुत्व का कार्ड था। राहुल गांधी ने ये मंदिर मंदिर मस्जिद घूम के मंदिर मंदिर में घूमते रहे, जनेऊ पहनते रहे और उन्होंने साबित कर दिया कि हम हिंदू हैं। पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व को धार देते राहुल गांधी के मंदिर दौरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन कांग्रेस में ये बदलाव अचानक नहीं आया। इस बदलाव की नींव तो दरअसल 2014 के चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद ही रख दी गई थी। राजनीति के जानकारों के बीच माना जाता है कि राहुल गांधी जो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं उसके पीछे एंटनी की रिपोर्ट का हाथ है जो उन्होंने 2014 में पेश की थी। फिलहाल कांग्रेस मुस्लिम समाज से दूरी बनाए रखना चाहती है और यही वजह है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्टी ने बीजेपी की तरह एक ही मुस्लिम नेता को मंत्री बनाया। बीजेपी इस बात पर लगातार विवाद पैदा करने की कोशिश करती रही है कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है, तो कांग्रेस इस वार से लगातार बचने की कोशिश करती रही। कांग्रेस नहीं चाहती कि इस बार भी बीजेपी के ट्रैप में फंस कर रह जाए, इसीलिए एहतियात बरत रही है और बीजेपी के हिंदुत्व के सामने गुड हिंदू की थ्योरी पेश कर रही है। उन्होंने हिंदुत्व के मसले पर
या हिंदू धर्म के मसले पर, हिंदुत्व तो खैर वो दूसरी चीज़ है, उन्होंने अपने को साबित कर दिया कि हम इसके साथ हम यहाँ हैं। उनका एडवांटेज ये है कि मुसलमान समझ रहा है कि ये पॉलिटिकल गिमिक था और इन्होंने पॉलिटिकल गिमिक किया है। इस शुक्रवार को भी लोकसभा में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल पर 2 घंटे तक चर्चा की। रक्षा मंत्री के बाद राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया गया, जिसमें उन्होंने पहले की तरह एक बार फिर राफेल को लेकर सरकार पर सवाल दाग दिए। संसद का शीतकालीन सत्र 8 जनवरी को खत्म हो रहा है, लेकिन बदले मौसम में कांग्रेस की रणनीति ये है कि राज्यसभा में भी राफेल का मुद्दा अच्छे से उठाया जाए, यानी 2019 के लोकसभा चुनावों तक राफेल का शोर थमने वाला नहीं। मैंने किसानों को गुमराह करने वाला रास्ता नहीं चुना, पाप नहीं किया। कर्ज माफी तो एक पीढ़ी की हो जाती, एक साल की हो जाती, लेकिन 1,00,000 करोड़ से जो पानी आएगा वो आने वाली सदियों तक लोगों का भला करेगा। किसान की 5-5, 25-25 पीढ़ी का भला करेगा। वो कभी कर्जदार न बने, ये ताकत उसको मिलने का काम हमने किया। हमने वो वोट बैंक की राजनीति नहीं की, हमने मेरे किसान को मजबूत करने का काम किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव जीतने के खेल जो चल रहे हैं, उसी खेल का परिणाम है कि उन्होंने किसान को कर्जदार बना के रखा है। देश के सशक्त प्रधानमंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े नेता, लोकप्रियता के पैमाने पर बाकियों से मीलों आगे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी को भी कांग्रेस की हर चाल, हर आरोप का जवाब देना पड़ रहा है। रैलियों के जरिए बीजेपी को साबित करना पड़ रहा है कि किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर कांग्रेस सिर्फ उन्हें गुमराह कर रही है, उनके लिए ठोस कुछ नहीं कर रही, बल्कि फौरी निजात देकर भविष्य खराब कर रही है। ये किसान को सिर्फ वोट बैंक समझने और किसान को अन्नदाता समझने वाले एक तरफ वो लोग है जिनके लिए किसान वोट बैंक है, एक तरफ हम लोग है जिनके लिए हमारा किसान अन्नदाता है। शायद बीजेपी का ये आक्रामक अंदाज राहुल गांधी के जैकेट से निकले कर्ज माफी वाले फॉर्मूले के हिट होने की वजह से सामने आ रहा है, जिसकी बदौलत कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का किला फतह कर लिया। लिहाजा 3 प्रदेशों में किसान मुद्दे पर मिली जीत के बाद कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों को रामबाण मान लिया है, तो जनवरी से पूरे प्रदेश में चुन चुन कर किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से बीजेपी पर हमला करने वाली है। 2009 के चुनाव के पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कर्ज माफी की थी और कर्ज माफी का फायदा हुआ था। आज इनकी स्थिति ये है अपनी रूलिंग इस प्रधानमंत्री की कि अगर वो उस बड़े पैमाने पर कर्ज माफी करने जाएंगे तो इकोनॉमी की जो स्थिति है, यानी पूरी दुनिया में कमजोर है और अपने यहाँ भी तो कमजोर हुई है। नोटबंदी को उन्होंने सक्सेस स्टोरी बनाने की कोशिश की थी, अब तो वो भी नहीं कहते कि सक्सेस स्टोरी थी। तो उसके बाद जो अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है उसमें अगर इन्होंने 1,50,000 करोड़ का और बर्डन डाल दिया तो जाहिर है कि वो तो इकोनॉमी के लिए मुश्किल होगा। अब ये अलग बात है कि किसानों की समस्याएं दूर करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कांग्रेस के पास शायद कोई रणनीति नहीं। किसानों की समस्या सिर्फ ऋण माफी से दूर नहीं हो सकती, बल्कि उनके लिए भंडारण, सिंचाई, बीज, बाजार की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिस दिशा में मोदी सरकार काम तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस के कर्ज माफी वाले दावों से परेशान भी नजर आ रही है। तभी तो बीजेपी गोरखपुर में किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है। 23 से 24 फरवरी को होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पहुंचना लगभग तय है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक करीब 5,000 पदाधिकारी सम्मेलन में हिस्सा लेने आएंगे। गोरखपुर में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन अमित शाह किसानों का वोट हासिल करने की कार्ययोजना से पदाधिकारियों को अवगत कराएंगे, तो दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्ययोजना को सफल बनाने का मंत्र देंगे।
दो राय नहीं कि फिलहाल राहुल गांधी की जैकेट गर्म है और बीजेपी में बेचैनी उतनी ही ज्यादा, लेकिन 2019 के चुनाव तक गर्मी अपने शबाब पर होगी और राहुल की पफर जैकेट तब गायब हो जाएगी। ऐसे में राहुल के सामने कई चुनौतियां होंगी जिनसे पार पाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को कड़ी मशक्कत करनी होगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा में करीब दो महीने का वक्त बचा है, लेकिन अब तक मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का महागठबंधन अपने स्वरूप में नहीं आ सका है। महागठबंधन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी ने कांग्रेस को किनारे लगा दिया। राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती है कि यूपी में विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतारा जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विपक्षी गठबंधन की रूपरेखा लगभग साफ है, लेकिन सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ऑपोजिशन, आपने कल मीटिंग देखी होगी, बहुत स्ट्रांगली यूनाइटेड है, यूनिफॉर्मली यूनाइटेड है और एक साथ लड़ेगी, ये तो पक्का है। गुजरे बरस राहुल गांधी ने अपने नेतृत्व को हर स्तर पर उभारा, लेकिन अभी भी जनता और विपक्षी पार्टियों के बीच और मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को अपने नेतृत्व की स्वीकार्यता बढ़ाने की जरूरत है। तीन राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने भले ही बीजेपी को हराकर सरकार बना ली हो और इसमें राहुल गांधी की भूमिका भी अहम रही हो, लेकिन टीडीपी को छोड़कर बाकी विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को फिलहाल स्वीकार करने को तैयार नहीं। भाई सरकार समाजवादियों के नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो चाहेंगे हमें शामिल करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं शामिल करेंगे, नहीं शामिल कर रहे तो नहीं शामिल कर रहे। दो हजार 2017 में अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने संगठन के स्तर पर कई तरह के सकारात्मक बदलाव किए, जिसका नतीजा भी एक के बाद एक चुनाव में देखने को मिला, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश संगठन को और मजबूत करने की चुनौती 2019 में बरकरार रहेगी। कुछ नए लोग महासचिव बनाए जा सकते हैं, तो कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जा सकता है। इनमें कुछ फैसले लोकसभा चुनाव से पहले होंगे और कुछ चुनाव के नतीजे आने के बाद। मैं बंद कमरों में आपसे कहता हूँ, बट मैं खुले कमरे में कह देता हूँ, आप बब्बर शेर हो। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के अलावा 9 राज्यों की विधानसभा चुनाव भी होंगे। 9 राज्यों में किसी भी एक राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है। राहुल गांधी की चुनौती होगी कि इन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो।